आंसू बन के बहता जाए, है साथ मेरी टुकड़ा टुकड़ा जर्रा जर्रा उड़ता जाए। चाहे जितना मैं थामूं ये तो हाथ छुड़ाए, मुझे जिंदगी कहे ये मुझे जीना नहीं आए। पूछो कैसा लगता है जब कोई छोड़ जाए, हो जो दिल का सहारा वो ही दिल तोड़ जाए। मेरे रब्बा दिल नाल मेरे चंगी ना होई, कोई सुने मेरी कैसे मस्ता जी। अम्मी कैसी लग रही हूँ? बहुत खूबसूरत माशाल्लाह। आप पढ़ चुके ही हूँ। अच्छा देखो बेटा, ये वाला जोड़ा जो है ना, वो महनाज की फूफी सास का है। लो, अब ये फूफो सास कहाँ से आ गई? अच्छा ठीक है। और ये सारे शलवार कमीज जो है ना, दूल्हा के हैं। ओहो अम्मी जी, इनके तो ऐश है ना, अब अगले पूरे 3-4 साल तक तो इन लोगों को शॉपिंग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बुरी बात है बेटा, ऐसा नहीं कहते, शादी में तो लेन देन चलता ही रहता है। तो और क्या अम्मी, दे ही रहे हैं हम लोग। अच्छा छोड़ो इन बातों को, ये बताओ तुमने जमाल की सारी चीजें तो एहतियात से रख दी है ना? जी मैंने सारी उनकी पैकिंग एहतियात से कर दी है, मुझे भी दुल्हे मियाँ का बहुत ज्यादा ख्याल है। अच्छा तुम्हारे अब्बू आने वाले हैं, तुम ऐसा करो कि चाय का पानी चढ़ा दो। ठीक है अम्मी। अल्लाह क्या हुआ आपको, फिर दर्द शुरू हो गया? नहीं नहीं अल्लाह का शुक्र है दर्द नहीं है, बस शायद थकन हो गई है। भाग दौड़ में आप अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रख रही है ना? बेटा बस साथ खैरियत से ये शादी निपट जाए, फिर तो आराम ही आराम करना है। छोड़ो इसको। अम्मी वो अभी के साथ आई है। या अल्लाह खैर, वो क्यों आ गई? और कौन है उनके साथ? तुमने उनको ड्राइंग रूम में बिठाया ना? बेटा मलिया तुम उनके लिए भी चाय बना दो, और तुम चाय लेकर आओ, मैं जाके देखती हूँ। ठीक है ठीक है। आपको पता है हमने डांस प्रैक्टिस भी कर ली है। थोड़ा सा रह गए, ये लोग जाएंगे ना, उससे बात कर लेंगे। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत है? आप मुझे बुलवा लेती ना? यहाँ आके तुमने इतना इंतजार करा है? हाँ अगर मैं तुम्हें बुला लेती तो पता नहीं। खैर संध्याने को बुलवा करना, इतना इंतजार कराते नहीं है कोई लोग। जी इतनी देर तो नहीं हुई अम्मी, 5 मिनट मेरे ख्याल में, 4 मिनट कुछ सेकंड हुए होंगे। वो आपस इतने काम है, थक जाती हूँ तो हाँक लग गई थी बस। है बन्नो बेटियों की माँ हो तुम, जरा कम सोया करो।
आप हुक्म करें, किस लिए आना हुआ? ये कमाल बता रहा था कि मुश्ताक ने कार खरीद ली है। नहीं नहीं, अभी मुश्ताक ने कार खरीदी नहीं है। हाँ चलो, ये तो बहुत ही अच्छा हुआ, वरना मुश्किल हो जाती है ना। मैं समझी नहीं। कर लो बात, इसमें ना समझने वाली कौन सी बात है? क्यों नहीं आपा, मतलब क्या बात है, क्या मुश्किल हो जाती बताइए। हाय भाई कुलसुम, जो तुमने जहेज में कार देनी है ना, वो तो सुना है मैंने बहुत ही छोटी है, इतनी मुन्नी सी, बिल्कुल माचिस के डिब्बे जैसी। हाँ बिल्कुल अम्मा, बिल्कुल छोटी सी गाड़ी है वो तो। हाँ भाई, हमारी फैमिली उसमें कहाँ आएगी, फस फसा जाएंगे, मैं तो फंसी जाऊंगी। इसलिए तो मैंने अम्मी से कहा कि इसके बजाय भाभी बड़ी गाड़ी लेकर आ जाए, दिखने में भी शानदार होगी और मोहल्ले में भी वाहवाह हो जाएगी हमारी थोड़ी। अब तो समझ गई ना, सारी बात समझ में आ गई तुम्हें। देखो भाई, मुझे तो ये लंबी बड़ी कार चाहिए, सफेद चमचमाती हुई, ये काली पीली नीली ये मुझे नहीं अच्छी लगती और अच्छा शगुन भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नरगिस आपा। वालेकुम सलाम, कैसे हो मुश्ताक, ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कब आई? अभी आई हूँ बस। अरे भाई वो बेटा चाय वाय का इंतजाम करो। हाँ जाओ जाओ। मुश्ताक। हाँ जी। आपा बड़ी गाड़ी चाहिए इन्हें। अब देखो भाई, तुमने मुझे अपनी बहन कहा है तो फिर मैंने भी तकल्लुफ नहीं किया। अब इतना तो हक है ही ना मेरा तुम पर कि मैं गाड़ी मांग लूं। अरे अम्मी आप ही का तो हक है। असल में गाड़ी के तो बस पैसे अदा करने हैं और गाड़ी ले लेनी है, मैं पहले से कह आया हूँ, सब सारे कागजात वगैरह भी मुकम्मल हो गए। अदायगी हुई तो नहीं ना अभी, वैसे भी छोटी गाड़ी के मुकाबले में बड़ी गाड़ी के लिए ज्यादा से ज्यादा 12-15 लाख के ऊपर से लगेंगे। आप एक काम करें, छोटी गाड़ी कैंसिल कर दें, आप बड़ी गाड़ी ऑर्डर कर दें। हाँ मुश्ताक, इतना क्या सोच रहे हो भैया तुम, 12-15 लाख की बात तो है, जहाँ इतने खर्च हो रहे ये भी सही, और गाड़ी कौन सा तुम हमें दे रहे हो, अपने बेटी दामाद को दे रहे हो, उन्होंने इस्तेमाल करनी है, हम तो ऐसे ही मांग के बुरे बन रहे हैं खाम खाम में। अरे नहीं नहीं नरगिस साहब, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है इंशाल्लाह मैं इंतजाम करता हूँ, बड़ी गाड़ी आएगी और जैसे आपकी ख्वाहिश है सफेद रंग की होगी। हाँ यही तो, यही मैं कह रही थी कि मुश्ताक अपनी बहन को कभी इनकार नहीं कर सकते, मेरी बात तो टाल ही नहीं सकते। बेटा चाय ले आओ। मलिया नीचे जाओ और सास और मम्मी को मना कर दो, नहीं तो कसम से मैं खुद जाके मना कर दूंगी उन्हें सिश्ते से। आप ही क्या हो गया, अम्मी अबू बात कर तो रहे हैं तो आपको बीच में पड़ने की क्या जरूरत है? तुम जानती हो अब्बू जी को, वो कभी भी इनकार नहीं कर सकेंगे, और जहां तक रही बात अम्मी की, वो कहां अब्बू के आगे कुछ भी बोलती हैं। तो आप जमाल भाई से बात करें ना, उन्हें समझाएं। जमाल में इतनी हिम्मत ही कहें जो अपनी माँ के आगे वो कुछ भी बोल सके, नहीं जाके मना कर रही हूँ। जी क्या हो गया आपको, अम्मी अब्बू को ये सब पसंद नहीं है और आप अपनी होने वाली सास के आगे जाके जबान चलाएंगी, जबकि आपको अच्छी तरह उनकी नेचर का पता है। तो क्या करूं मैं, ये तमाशे देखती रहो अपनी आंखों से, क्या मजबूरी हो गई है ऐसी मलिया, क्या हम उनकी नाजायज शर्तों पे शर्तें माने जा रहे हैं? पहले जहेज के नाम पे इतनी लंबी लिस्ट भेजती, फिर कहती है कि हॉल हो तो बैंक्वेट, फिर छोटी गाड़ी मांग ली और अब आई है कि बड़ी गाड़ी चाहिए, क्यों? मुझसे नहीं बर्दाश्त हो रहा ये सारे तमाशे। आप ही, हम में से किसी से भी बर्दाश्त नहीं हो रहा, लेकिन अम्मी अबू बात कर रहे हैं ना, उन्हें करने दें। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मलिया। आप ऐसा क्यों नहीं करती, आप जमाल भाई से खुद बात करें, उन्हें समझाएं कि ये सब कुछ मुनासिब नहीं है। अब्बू बज़ाहिर खुशी से ये सब कुछ कर रहे हैं लेकिन अंदर ही अंदर वो क्या महसूस कर रहे हैं ये हम जानते हैं। वैसे तो कोई फायदा है तो नहीं जमाल से बात करने का, लेकिन
फिर भी करूंगी, देखती हूँ क्या करता है वो। दिल बारिश का कतरा कतरा आंसू बन के बहता जाए। आपको हामी भरनी ही नहीं चाहिए थी। खुदा ना खास्ता अगर इंतजाम ना हो सका तो फिर क्या करेंगे? कुलसुम, उन्होंने फैसला कर लिया था, आज नहीं तो दो दिन बाद भी हामी भरनी पड़ती, और हम इस पोजीशन में नहीं है। हाँ, लेकिन इतनी बड़ी रकम आप लेके कहां से आएंगे? तुम बस दुआ करो महनाज की शादी की तैयारी जारी रखो, पैसे कहां से करने हैं कैसे करने हैं ये सब मेरा काम है। हमारी दो बेटियां और हैं मुश्ताक, उनके बारे में भी तो सोचना है। आज जो कुछ भी हम अपनी इस बेटी के लिए करेंगे, कल उन दोनों के लिए भी तो करना पड़ेगा। मायूस मत हो, सब कुछ हो जाएगा। माना हमारा बजट बढ़ जाएगा, लेकिन इंशाल्लाह हमारी बेटी इज्जत से रुखसत होगी। इंशाल्लाह। ये कभी तो ऐसे घूर घूर के देखता है, लगता है नजरें नहीं आंखों में माइक्रोस्कोप फिट किया है पागल इंसान ने। किसी दिन थप्पड़ लगाऊंगी ना तो फिर इसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। पूरी बात है फायजा, कुछ लोग ऐसे ही जहनी बीमार होते हैं, तो बेहतर है कि तुम उसे इग्नोर ही करो, यही इलाज है उसका। नजरअंदाज कैसे कर दूं? हाँ, ये तो जमाल भाई की वजह से हमारे घर में घुसा ही चला जा रहा और घुसता ही रहेगा, देखते रहेगा। तो फिर तुम ऐसा करो कि किसी दिन उसे आराम से समझा देना। अगर आप मुझे इजाजत देना तो मैं उसे ऐसा समझाऊंगी कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। नहीं नहीं, ऐसी कोई हरकत मत करना, ये ना हो कि बाद में आप ही को शर्मिंदा होना पड़े। आप ही की वजह से ही तो खामोश हूँ, वरना तो ऐसा करती ना कि याद रखते ही रख सब। जमाल, आप समझने की कोशिश कीजिए, अब्बू इतना सब कुछ कैसे करेंगे, उन पे वैसे ही इतनी जिम्मेदारी है। लेकिन शादी है यार, खर्चा तो होगा ना। अच्छा खासा तो उन्होंने शादी हॉल बुक करवाया था, फिलहाल आज आपकी अम्मी ने आके कह दी कि बैंकुट बुक करवाए, क्यों? तो ठीक ही तो कहा ना अम्मी ने, अगर एक सादा सा हॉल बुक करोगे तो हमारे मेहमान आएंगे और बातें करेंगे, वो स्पेशली वो चाचा जो अमेरिका से आए हैं खास तौर पे ये शादी अटेंड कर। और वो जो लॉन आप लोगों ने वलीमे के लिए बुक करवाया हुआ है, उसको देख के लोग बातें नहीं बनाएंगे? वो एक्चुअली वलीमे से पहले वापस जा रहे हैं, तो अम्मी ने कहा कोई ज्यादा छत दिखाने की जरूरत नहीं है। जमाल, आप उनसे बात तो कीजिए, बात तो कीजिए कि वो। नाज, मेरी बात सुनो, मैं अपनी अम्मी के मामलात में दखल अंदाजी नहीं करता। अगर उन्होंने कह दिया अंकल को गाड़ी के लिए, तो मैं उनको मजबूर नहीं कर सकता कि वो अपना फैसला तब्दील करें। ट्राई टू अंडरस्टैंड यार। जमाल, आपके लिए बातें करना तो बहुत आसान है, लेकिन सस्ती नहीं आती गाड़ियां। तुमने मुझसे बहस करने के लिए कॉल की है? तो हाँ ठीक है, खत्म करो बहस, अपनी अम्मी से जाके बात करो। अच्छा अच्छा, मैं उनसे बात कर लूंगा, लेकिन मैं तुम्हें कोई गारंटी नहीं दे रहा कि वो बात मान जाएंगे। आप प्लीज आज ही बात कीजिए अपनी अम्मी से, मैं अपने अबू पे मजीद बोझ नहीं डालना चाहती। हाँ हाँ, मैं करता हूँ करता हूँ, तुम अंकल को तसल्ली दे देना। उनकी परेशानी तब खत्म होगी जब आंटी खुद कॉल करके उनको ये बात बोलेगी। अच्छा तुम ये बातें छोड़ो, तुम ये बताओ कि तुम्हारा दिन कैसा जा रहा है? सलीम भाई, आप खुद सोचे, पूरा साल हो गया कभी मैंने अपनी रकम का तकाजा किया आपसे। हम बेटी की शादी है तो आपको पता है जरूरत होती है। अच्छा पांच नहीं तो
तीन चार ही कर दें। चले बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। क्यों परेशान हो रहे, मत ले टेंशन, अल्लाह ने चाह तो कोई ना कोई बंदोबस्त हो जाएगा ना इंशाल्लाह। वैसे कह क्या रहे थे सलीम भाई, इनकार तो नहीं किया है ना? वैसे मुझे कोई खास उम्मीद नहीं है, कह रहा था देखता हूं। ये क्या बात हुई, एक साल हो गया उनको हमारे से रकम लिए हुए, अगर थोड़ी थोड़ी भी अदा करते तो अब तक हमारी रकम अदा हो चुकी होती ना। रकम हमारी वापस हमें करनी है, और देखता हूं ये क्या बात हुई। कोई बात नहीं, होगी उसकी भी कोई मजबूरी, तो उन्हें भी तो हमारी परेशानी का एहसास होना चाहिए ना। कल मैं चौधरी साहब से बात करूंगा। वो दे देंगे क्या? हाँ हाँ भाई, चौधरी साहब मुझे कई बार कह चुके हैं कि अगर कभी भी कोई जरूरत हो तो मुझे बता। अल्लाह भला करे उनका। लेकिन मुश्ताक, अगर खुदा ना खास्ता उन्होंने भी कोई मजबूरी बता दी तो बेहतर है कि आप महनाज की सास से ना अभी बात कर लें। अरे देख लेंगे जो भी सूरत हाल होगी, फिलहाल तो ऐसा लगता है कि सब कुछ हो जाएगा इंशाल्लाह। ये शादी तो हमें बड़ी महंगी पड़ रही है मुश्ताक। मेरी बेटी इससे ज्यादा की हकदार है, ये तो कुछ भी नहीं है। आपकी इसी कमजोरी का फायदा उठाया जमाल की अम्मी ने। मोहब्बत कमजोरी नहीं, ताकत होती है। फिर ये बात भी किसी किसी को ही समझ में आती है। नाश्ता बन गया? आप ही चाय बना रही, फायजा तैयार हो गई? उसका तो कोई मूड नहीं आज कॉलेज जाने का, बल्कि मुझे तो लगता है जब तक आपकी शादी नहीं हो जाती ना वो कॉलेज से छुट्टियां ही करेगी। उसे तो बस बहाने चाहिए। अच्छा वो आपकी बात हुई जमाल भाई से? कम से कम जमाल भाई को तो एहसास करना चाहिए ना। ये सच बताऊं तो गुस्सा आता है मुझे उस पे, उसकी बुजदिली पे। वो अपनी माँ के आगे कुछ कह ही नहीं सकता। मुझे भी ना ये बात बहुत खटकती है। आप ही इतनी लंबी जिंदगी कैसे गुजरेगी आपकी? उससे तेज तो ये कमाल है उसका छोटा भाई। और मुझे लगता है कि गाड़ी की फरमाइश भी ना उसी ने की होगी। तुम्हें किसने बताया? फायजा ने बताया, बल्कि सारी बात उसी के सामने हुई थी। और आपको पता है कमाल जो है ना वो फायजा के चक्रों में है, वो उसे कॉल्स भी करता है और मैसेजेस भी करता है। ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? आप ही, मुझे तो खुद रात को फायजा ने बताया है। कमाल मुझे एक आंख नहीं भाता, बिल्कुल भी पसंद नहीं है मुझे वो। कमाल तो हम में से किसी को भी अच्छा नहीं लगता, फायजा तो सिर्फ आपकी वजह से खामोश है। तुम उसको बोलो कि उसकी किसी भी बात का जवाब ना दे, खुद ही थकार के पीछे हट जाएगा। तुम्हें समझ आ रही है? जाओ उसको बोलो तैयार हो, मैं नाश्ता लेकर आती हूँ।
रख दिए हैं। क्या हो गया अम्मी, क्या ढूंढ रही हैं आप? बेटा मैंने ना कुछ पैसे रखे थे, वो नहीं मिल रहे अब। आप कहीं 20,000 की तो बात नहीं कर रही जो आपने लिफाफे में रखे थे? हाँ हाँ वही, तुमने देखे हैं क्या? सिर्फ देखे ही नहीं, खर्च भी कर दिए थे हमने। आपको याद नहीं जब हम जेवर लेने जा रहे थे तो आपने अलमारी से निकाल के दिए थे? हाँ, देखो जरा कितनी भुलक्कड़ हो गई, और इतनी देर से ढूंढ रही थी कि पैसे नहीं मिल रहे। बैठो, तुम्हें पता है कि तुम्हारे अब्बू बहुत परेशान हैं, सारी रात सोते नहीं है, बस करवटें बदलते रहते हैं। अम्मी, अब्बू को गाड़ी के लिए हामी नहीं भरनी चाहिए थी, वो पहले ही इतना कुछ। वो क्या करते, उन्हें तो नहीं मालूम था ना कि जमाल की अम्मी इस तरह से ब्लैकमेल करेंगी। और वो तुम्हारे सलीम चाचा याद है ना, जो हमसे पैसे लेके गए थे, वो भी अब देने में ना आनाकानी कर रहे हैं। क्यों, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? उन्होंने तो कहा था कि आप ही की शादी से पहले वो हमें पैसे वापस कर देंगे। बेटा उस वक्त उनको जरूरत थी, इसलिए उनकी जबान से शहद टपक रहा था। अब जरूरत हमारी है तो वही शहद कड़वाहट आ गई। अम्मी अब्बू क्या करेंगे अब? बेटा वो तो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, बस दुआ करो कि हमारी इज्जत तो भरम रह जाए। इंशाल्लाह अम्मी ऐसा ही होगा, आप परेशान ना हो। उसने तुम्हारी झोली में एक नई जिंदगी डाल के तुम पे कितना बड़ा एहसान किया, तुम यकीन मानो तुम अपने सारे दुख भूल जाओगे। मैं भूल गई थी अपने सारे दुख मामा, मैं सारे गम आखिर भूल गई थी, लेकिन मैं आपसे अम्मी अम्मी ये देखें, दुख मैं नहीं भूल पाऊंगी। ये एलईडी कैसी है? ये तो बहुत अच्छी है। तुम्हारा शौहर कितने इंच की है? 60 इंच की तो होगी अम्मा, और पता है इसको देखने के लिए वो वाले चश्मे आंखों पे लगाना पड़ते हैं, 3D वाले चश्मे, बहुत अच्छे हैं अम्मा। अरे वाह कमाल, इसे देख के तो बड़ा मजा आएगा है ना? अम्मा आप एक काम करें, जमाल के ससुराल वालों को बोलें कि वो ये LED भी दे दें। नहीं बेटा, अब उन तिलों में तेल निकलने वाला नहीं है, एक गाड़ी देते हुए उनकी जान जा रही है। रात को पता है जमाल क्या कह रहा था? आज रात को इतना रो रही थी, वो कह रही थी कि अल्लाह ये गाड़ी तो हमें बड़ी महंगी पड़ रही है। देख ले अम्मा, जमाल अभी इसे अपने ससुराल वालों की बोली बोलने लगा है, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में। अहे बात की बात तुम रहने दो, आज की बात करो अभी की। मां आज की बात तो ये है कि ये LED बहुत अच्छी है। तो फिर ये LED मैं तुम्हारे ससुराल वालों से क्यों ना मांग लूं? बात एक ही है, जमाल का ससुराल कभी मेरा भी तो ससुराल हो सकता है ना, मैं फायदा की बात कर रहा हूँ। कमाल वो तो बहुत तेज है, ये गजल भी उसकी जबान है, कैंची की तरह चलती है, कैंची की तरह। अरे अम्मा एक दफा वो यहाँ पर आ जाएगी ना तो उसकी सारी कैंचियां काट दूंगा, और अगर ना कर सका ना नाम बदल देना मेरा। अच्छा देखो वो सब तो ठीक है, लेकिन पहले तुम कोई काम धंधा तो कर लो, ऐसे भी क्या जल्दी पड़ी है? अम्मा काम धंधा तो होता रहेगा, और मैं भला अभी तो नहीं कह रहा ना कि मेरी शादी अभी करा दो, बस जमाल भाई के निकाह वाले दिन ना मेरी मंगनी की बात छेड़ दो, बाकी सब हो जाएगा। तुम तो बहुत हदसिल पे सरसों जमा रहे हो, वो मानेंगे नहीं? अरे अम्मा तुम बात करोगी तो जरूर राजी हो जाएंगे, बस जरा दबंग स्टाइल में ना दो टोक कह देना कि फायजा का रिश्ता मेरे बेटे कमाल के अलावा किसी और के साथ नहीं हो सकता। लेकिन कमाल मुझे नहीं लगता कि वो लोग मानेंगे। अरे मेरी प्यारी अम्मी, आपके लिए भला कोई काम नामुमकिन हो सकता है? बस आप ये कह देना कि आपकी ख्वाहिश है कि फायजा आपकी बहू बने, और अगर आपकी ख्वाहिश पूरी ना हुई तो
समझदार। एक काम करें, आप उनको फोन करें, मतलब मैं फोन करके देता हूँ, अभी हाँ अभी उनकी अम्मी से बात करें। अच्छा हाँ, अस्सलाम वालेकुम नियाज भाई। वालेकुम सलाम भाई, आपके पैसे ही नहीं पहुंचे तो मैंने सोचा दुआ सलाम ही कर लूं। माफ कीजिएगा नियाज भाई, वो शादी के बखेड़े में फुर्सत ही नहीं मिली, असल में बहुत काम है, बेटी की शादी है। अब मैं ऐसा करूंगा, अगले महीने ना आपको डबल किस्त अदा करूंगा इंशाल्लाह। चले देख लें, कोई परेशानी ना हो जाए आपको। बस नियाज भाई दुआ कीजिएगा, बस एक बार बेटी को रुखसत कर दो तो बस कोई टेंशन नहीं रहेगी इंशाल्लाह। चले ठीक है, जैसी आपको बेहतर लगे। खुदा हाफिज़। बड़ी नवाजिश। वालेकुम सलाम। अम्मी, 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 हाँ क्या हुआ है बेटा? क्या बात है अम्मी, सब खैरियत तो है ना? आपका रंग क्यों गाँव है? जमाल की अम्मी का फोन आया था मिलिया, वो शादी वाले दिन कमाल और फायजा की मंगनी का कह रही है। अब ये कौन सा नया तमाशा लगा दिया उन लोगों ने? मुझे उनके आसार अच्छे नहीं लग रहे मलिया। तुम्हारे अब्बू सुनेंगे तो वो और परेशान हो जाएंगे, वो तो पहले इतने मसलों में उलझे हुए, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अस्सलाम वालेकुम अब्बू जी, आज इतनी जल्दी घर आ गए, सब ठीक है ना? हाँ बेटा सब ठीक है, तुम्हारी माँ कहाँ है? अम्मी तो आई थिंक ऊपर रूम में है। आया? मैं चाय बना कर लाऊं आपके लिए? हर बात मानने का यही नतीजा निकलना था अम्मी, पहले चीजों की डिमांड और अब फायजा का रिश्ता भी मांग रहे हैं। देखो बेटा मलिया, तुम इस बात का जिक्र अभी फायजा से मत करना। सवाल ही पैदा नहीं होता, फायजा तो उसे सख्त नापसंद करती है। और इस बात का तुम्हारे अम्मू को तो बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए, वो पहले ही ब्लड प्रेशर के मरीज है बेटा। हम उन्हें टालने के लिए ना कोई माकूल बहाना बना देंगे। बहाना नहीं अम्मी, आप उन्हें साफ साफ इनकार कर दें, नहीं तो वो आपके पीछे पड़ी रहेंगे। लगता है अब्बू जी को आप ही की रुखसती ने परेशान कर दिया। हाँ बेटा वो भी है। चले मैं ऐसा करती हूँ, आप ही को बुला कर लाती हूँ, आप उनसे खूब सारी बातें कर लें। नहीं नहीं बेटा, अभी मैंने तुम्हारी माँ से एक जरूरी बात करनी। मैं मैनाज से बात में मिल लूँगा। ठीक है, तुम एक कप चाय अच्छी सी पिला दो। मैं बेटा मैं अभी बना के लाती हूँ। शाबाश। मुश्ताक क्या बात है, कोई परेशानी है? मुश्ताक बताएं ना क्या परेशानी है? एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिलना था मुझे, सोचा था कि उससे अच्छी खासी रकम हाथ में आएगी तो अपनी बच्ची की शादी खूब धूमधाम से करूं। मगर मगर क्या मुश्ताक बताएं ना,
मेरा दिल बैठा जा रहा है। अरे कुलसुम, वो ऑर्डर कैंसिल हो गया। सोचा था वो कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा तो बहुत बड़ी रकम हाथ में आएगी, लेकिन अब तो यूं लगता है छोटे मोटे काम भी नहीं हो सकेंगे। अपनी बच्ची को इज्जत से कैसे रुखसत करूंगा? अच्छा सुने, वो मेरे जेवरात भी तो पड़े हैं ना, वो किस दिन काम आएंगे? उन्हें भेज देते हैं ना? हाँ वो तो ठीक है, खराजात तो हो जाएंगे, लेकिन गाड़ी, बड़ी गाड़ी के पैसे कहाँ से आएंगे? बहुत महंगी आती है बड़ी गाड़ी भाई। तो फिर आप आपा को साफ मना कर दें। आप बेवकूफों वाली बात कर रही हो कुलसुम। तो उन्होंने जमाल की घड़ी और कपड़ों के लिए तो कॉम्प्रोमाइज किया नहीं, क्या गाड़ी के लिए कर लेंगी वो? कह तो आप ठीक रहे, फिर अब क्या करेंगे? बस चौधरी साहब वाला ऑप्शन बाकी रह गया। दो चार जगह से पेमेंट भी आनी है, अगर वक्त से ये पेमेंट्स आ जाती हैं तो सारा मसला हल हो जाएगा। इसका मतलब है परेशानी तो दूर हो गई ना? चले अब अपने चेहरे से ये उदासी उतार के फेंक दें और वो क्या कहती हैं हमारी बच्चियां, हैप्पी वाला मुंह बना लीजिए। आपको पता है जब आप परेशान होते हैं तो बच्चियां भी परेशान हो जाती हैं। ये ठीक है? हाँ बिल्कुल ठीक है। चलें अब नीचे चल के बच्चियों के साथ चाय पीते हैं। इतने दिनों से बौखलाए बौखलाए फिर रहे हैं आप, थोड़ा वक्त बच्चियों के साथ गुजारे ना। ठीक कह रही हो, चल सबके साथ चाय पियो। जी जी। कितनी मजे की चाय बनी है ना। बस मैंने तो फैसला कर लिया, आज के बाद शाम की चाय जो है ना फायजा ही बनाया करे। भाई वाकई चाय तो बहुत अच्छी बनाई है मेरी बेटी ने। अब्बू जी आपने कभी इसे चाय बनाते देखा है? थोड़ी थोड़ी देर बाद ये चाय को चखती है। वो कैसे? चम्मच से? और कैसे अब्बू जी? ये पता क्या करती है, ये चम्मच उठाती है, चाय को चखती है, नहीं अभी भी कच्ची है, और फिर ये वही चम्मच चाय में डाल देती है। इसका मतलब तुम हम सबको अपनी झूठी चाय पिलाती हो। हाँ तो और क्या। क्या है भाई, क्यों तंग कर रहे हैं मुझे आप दोनों जी? खबरदार प्लीज मेरी बेटी को तंग मत करो, इतनी तो अच्छी चाय बनाती है, और तुम लोग खुद सोचो गरम गरम काले कावे में बार बार चखना किसी की हिम्मत है? ये तो यही कर सकती है। और जब चाय बन जाती है ना तो उसकी खुशबू का ऐलान पूरे घर में करती है। लो अम्मी जी, जिसकी नाक 24 घंटे बंद रहे उसे भला खुशबू कहाँ से आएगी। अच्छा बस करो मलिया, मत तंग करो मेरी बेटी को। एक बात तो बताओ, हमने तो तुम्हें चाय बनाने के लिए कहा था ना बेटा। मैं ऊपर छत पे कपड़े सुखा रही थी। झूठ झूठ बोल रही है ये, कपड़े तो आप ही ने सुखाए थे, ये तो मेरी मदद कर रही थी। ये देखा हरकतें देखे इनकी और आप हंस रहे हैं और बढ़ावा दे रहे हैं। ये कहाँ की तहजीब है बच्चों, ऐसी हरकतें करती हैं जैसे कोई 6-7 साल की बच्चियां हो। अरे भाई मेरे लिए तो ये सारी जिंदगी 6-7 साल की बच्चियां ही रहेंगी। जीते आज अल्लाह पाक इनके नसीब अच्छे करे। आमीन। बेटा ससुराल जाकर भी अच्छी चाय बनाना। हाँ, और उन्हें झूठी चाय मत पिलाना। अम्मी और अब्बू खुश दिखाई देने की कोशिश सिर्फ इसलिए कर रहे थे कि ताकि हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट रहे।
इसलिए मुझे सब कुछ जानते हुए भी उनका ये भरम कायम रखना होगा। ये यहाँ रख दिया है मैंने ताकि माइयों वाले दिन आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। इधर आना जरा। जी क्या छुपा रही हूँ मुझसे? क्या बताऊँ आप ही आपको, जमाल भाई के घर वालों की वजह से हम लोग कितना सफर कर रहे हैं। अबू जी ने क्या पहले कुछ कम किया था जो अब आपकी सास फायजा का भी रिश्ता मांग रही है? क्या? ये तुम क्या कह रही हो? सच कह रही हूँ। आंटी नरगिस ने आपकी शादी वाले दिन कमाल और फायजा की मंगनी करने की फरमाइश की है। हाँ, मेरी होंगे वहां पर, पत्थर तो आएंगे ही ना। हाँ तो आए ना। कमाल एक ऐसा पत्थर है जिसके साथ अपना सर ही फोड़ा जा सकता है। को तो चाहिए था कि वो वहीं इनकार कर देती, वहीं के वहीं बात खत्म हो जाती। आपको अपनी सास के बारे में कुछ ज्यादा ही खुशफहमी है। वो खातून ऐसी नहीं है कि किसी भी बात को इतनी आसानी से जाने दे। कह तो तुम सही रही हो, उनको अपने बेटे को लेके भी काफी खुशफहमी है। बता रहा था जमाल उसकी कहानी है मुझे। जमाल भाई का तो करेक्टर खुद मुझे समझ नहीं आता। आपके सामने इतना बोलते हैं और अपनी अम्मी के सामने उनकी जबान को ताला लग जाता है। फरमाबरदार बेटा जो करना है उन्होंने। फरमाबरदार, देख लूंगी आपके लिए है कि नहीं। जो गुलाम शोहर नहीं पसंद। आप ही अपने ये ख्यालात ना कहीं जमाल भाई के सामने ना पेश कर दीजिएगा प्लीज। ठीक, सब बातें छोड़ो, ये बताओ कि जमाल से मेरे कमाल के बारे में बात करूं? हाँ जरूर कहें, बल्कि आप उन्हें समझाएं कि अब्बू जी एक ही घर में दो दो बेटियों का रिश्ता करने के सख्त खिलाफ हैं। सही कह रही हूँ, यही मुनासिब बहाना रहेगा। ऐसे और भी बहुत से मुनासिब बहाने हैं मेरे दिमागी कंप्यूटर में। वो अलहदा बात है, कोई कदर ही नहीं करता। नरगिसंटी को बैठे बिठाए सोच आ गई, जमाल से आज ही बात करनी होगी। आपको आंटी से बात करने से पहले एक दफा ये सोच लेना चाहिए था कि कमाल इस काबिल भी है कि कोई उससे रिश्ता जोड़े। कमाल में ऐसे कौन से कीड़े लगे हुए जो वो अपनी बेटी का रिश्ता नहीं दे सकते, और तुम में ऐसे कौन से सुरखाब के पर हैं जो अपनी बेटी देने के लिए वो मरे चले जा रहे हैं? ठीक है, सारी बातें आपकी मान लेते हैं, लेकिन एक दफा न्यूट्रल होकर सोचें कि कोई भी खानदान अपनी पढ़ी लिखी लड़की कमाल जैसे बेरोजगार मैट्रिक फेल लड़के को देगा? बता दे, देगा? उसने तो जैसे बड़ी डिग्रियों की लाइन लगाई हुई है लंबी। अरे 11 जमाते पास है बस, और हम कौन सा अभी शादी करने को कह रहे हैं? 2-4 साल बाद करेंगे, मंगनी तुम्हारी शादी के साथ करेंगे, ये मेरा फैसला है, बस मैंने कह दिया। और अगर मुश्ताक अंकल ना माने तो? शर्म तो नहीं आती तुम्हें है? जो लोग भाई के साथ रिश्ता जोड़ने से मना कर रहे हैं, तुम अपना रिश्ता जोड़ने जा रहे हो उनके साथ? नहीं, एक सेकंड, क्या मतलब है आपकी बात का? आप मेरी शादी रोकना चाह रही हैं? मजाक कर रही हैं ना, आप ऐसा नहीं कर सकती। अरे एक हफ्ता रह गया शादी में। बात सुनो मियां, एक हफ्ता रह गया या एक घंटा, अगर उन्होंने कमाल को फायजा का रिश्ता नहीं दिया ना, तो वो बारात लेकर बैठे रहे, हॉल में बैठे बैठे बुड्ढे हो जाएं, लेकिन हम बारात लेकर नहीं जाएंगे। बस सुन लिया तुमने?
इससे आगे मैं कुछ नहीं कहूंगी, समझे तुम? अरे आए लफंगा वारा कहने वाले।